ज्यादातर अच्छे से रेडी कर लिया है। मैं यहाँ पे स्कूली निकालना भूल गई और मुझे पता नहीं स्कूली दिखेगी। तो मेरा चैलेंज कैसे हैं आप सब लोग? सो यस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टू कम्बाइन मेकअप ट्यूटोरियल्स। लाइक वन इज फॉर राखी, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ राखी मेकअप और उसके साथ कम्बाइन कर रही हूँ 10 मिनट्स मेकअप चैलेंज। सो बेसिकली मैं सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर मेकअप करूंगी जो भी मेकअप मुझे करना है फॉर राखी। तो मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच, एक्चुअली देखो मुझे है ना क्या बोलते हैं किसी का फोन नहीं मिला, तो मैं फाइनली रिहान का आईपैड लेके आई हूँ। तो यहाँ आईपैड पे मैंने जो है 10 मिनट का आप देख सकते हो टाइमर लगा दिया है, तो बस इसे मैं ऑन करूंगी और मेकअप करूंगी। आई थिंक वॉल्यूम इज फुल, यस द वॉल्यूम इज फुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 मिनट्स का मैंने टाइमर लगा दिया है और अब मुझे इसे करना है जस्ट 1 2 3 एंड स्टार्ट। ओके, सो आई गॉट इट। सो जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिलती रहेगी। तो मैंने बेसिक क्या यूज़ किया है, बेबी क्रीम यूज़ की है मैंने अभी पहले, उसके बाद मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और ये स्टेक वर्की का प्राइमर है और जितना होगा मैं साथ साथ में बताती जाऊँगी। का प्राइमर यूज किया है। नेक्स्ट मैं मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन यूज कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे 2 पंप ले लिए हैं और ओके। तो मैं ब्रश की हेल्प से ही लगाऊंगी पहले, क्योंकि ब्रश से ना अच्छे से लगता है और कवरेज अच्छी मिलती है। आई नो मैं इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करना चाह रही थी कि या मतलब लाइक चैलेंज मुझे कंप्लीट करना है, लेकिन साथ ही साथ में मुझे ये भी ध्यान रखना है कि ये मैं अच्छी खासी रेडी हो जाऊँ यार। ऐसे मतलब कुछ हर कैसा नहीं रेडी होना है मुझे, तो इसीलिए मैं थोड़ा अच्छे से रेडी होना चाहती हूँ। सबको भी हॉर्न सब कुछ अभी करना है सबको। मेरी बातों पे ध्यान मत दो यार, पता नहीं मैं मतलब जल्दी जल्दी रेडी होने के चक्कर में ना सब भूलती जाऊंगी पागल जैसे कुछ भी है ना। सो या डन विद द फाउंडेशन एंड आई नो मैंने फाउंडेशन सही तरीके से नहीं लगाया है ऑब्वियसली। सो वेयर इज द ओके पाउडर सेट करना है मुझे, तो ये मैंने सेट कर लिया। ओके, सो नेक्स्ट मैं यूज करूंगी हुडा ब्यूटी की ये पैलेट और इसमें से मैंने चॉकलेट ब्राउन शेड लिया है और इसे मैं अपने आईज पे एज अ ट्रांजिशन कलर हल्का हल्का सा अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही हल्का सा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। तो यस थिंक इट्स गुड, क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा हैवी मेकअप नहीं करना चाहती हूँ, मेकअप को वो उतना लाइट रख रही हूँ मैं तो। और ये मैंने लिया है ब्लू आई शेडो और ब्लू आई शेडो को मैंने पूरी आईज पे अप्लाई कर दिया है। कितना टाइम हुआ? ओह माय गॉड, आई जस्ट हैव 7 मिनट्स, 7 नहीं एक्चुअली 7:30 था जब देखा था तब। ओके, और अगेन उस ब्राउन आई शेडो को लेके मैं इसके साथ ब्लेंड कर दूंगी। ओके, और व्हाइट पिगमेंट इसमें है उसको लेके मैं इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर रहा हूँ। डोंट थिंक सो कुछ फर्क भी कर रहा है, यहाँ पे अच्छे से लग रहा है, थोड़ा और लेना पड़ेगा यार, ब्लू तो दिख ही नहीं रहा है। ब्लू हल्का सा यहाँ पे अप्लाई करती हूँ वापस। आई शेडो में बहुत टाइम निकल गया, गॉड। ओके, अगेन ब्लेंडिंग ब्रश। आई होप सो कि जो आई शेडो है वो अच्छे से लगा हो एंड अगेन वो सेम
जो ब्राउन आई शेडो मैंने अप्लाई किया था उसे सेम मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। फट से करना पड़ेगा। डन। अब नेक्स्ट मैं अपनी फिल करूंगी आईब्रोज और वेट एंड वाइल्ड का पैलेट लिया है मैंने और सच में अगर एक्चुअल में बताया राखी के दिन यही हालत होती है, आपने चाहे कितनी भी अच्छे से प्रिपरेशन की हो एंड में ना भाग भाग के ही तैयार होना पड़ता है पता नहीं क्यों, वरना मैं यहाँ पे स्कूली निकालना भूल गई और मुझे पता नहीं स्कूली दिखेगी कि नहीं दिखेगी, तो मैं उसमें टाइम वेस्ट कभी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे आगे और रेडी भी होना है। ओके सो नेक्स्ट मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ, वेट एंड वाइल्ड की काजल है। और एक्चुअल में मैं अप्लाई ब्राउन करने वाली थी और पर मेरे हाथ में ब्लैक आ गई है, ब्राउन होती तो ज्यादा अच्छा होता बट अब नो प्रॉब्लम। ओह गॉड आई हैव ऑलरेडी मैंने 5 मिनट ऑलरेडी वेस्ट कर दी, वेस्ट नहीं यार मेकअप कर लिया, मतलब 5 मिनट का मेकअप मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और मुझे आईलाइनर लगाना और आईलाइनर बाद में ब्लश अब मुझे लगाना है ब्लश। सो मैंने लिया है ये कौन सा पैलेट मुझे पता नहीं, आई थिंक मेकअप रेवोल्यूशन का ही पैलेट है और इसमें से मैंने इस ब्लश शेड को लिया है और इससे मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये ब्लश नहीं एक्चुअली कॉन्टोर शेड है लेकिन ब्लश जैसा क्यों लग रहा है, लेकिन आई थिंक मैंने काफ़ी अच्छा मेकअप अभी तक सो फार तो मैंने अच्छा ही किया है। पीची शेड लिया है मैंने हल्का सा और उसको ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं इतना भी नहीं चाहिए मुझे तो, मतलब तो मैं इसको थोड़ा और पाउडर ब्रश से निकाल रही हूँ मैं, ब्लश मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इतना मुझे नहीं लगाना है। एंड देन आई एम गोइंग विथ लिटिल बिट ऑफ शिमर, लिटिल बिट बहुत कम मैंने लगाया है, मुझे बिल्कुल ज़्यादा नहीं चाहिए। और ये मैं ले रही हूँ हाइलाइटर और इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ इन कॉर्नर्स पे जस्ट गेट दैट लिटिल ग्लो। यार एंड में अगर स्कूली मिल जाएगी तो मज़ा आएगा, अदरवाइज तो मेरा पूरा मेकअप बिगड़ने वाला है। हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक है और शेड मुझे पता नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आई होप सो लिपस्टिक भी अच्छे से लग गई है और मेरे पास अभी 3 और 10 मिनट और है और मैंने ब्लश ठीक से अप्लाई कर लिया है लाइनर। ओके आई वॉन्ट स्पूली, मुझे इतने ब्रश में स्पूली कहीं भी नहीं मिलेगी, जब चाहिए होगा ना तब कुछ नहीं मिलेगा बस। और मिल गई क्योंकि स्पूली के बिना ना मुझे कम्प्लीट ही नहीं लग रही कि मेरी आईब्रोज मैंने फिल की है, बहुत अजीब सी लगती है मुझे मेरी आईब्रोज स्पूली के बिना। ओके सो अब मेरे पास काफ़ी अच्छा टाइम है आईलाइनर लगाने के लिए, सो अब मैं आईलाइनर लगाऊंगी। सो इसी वजह से मैंने आईलाइनर थोड़ा सा लेट पिक किया ताकि मेरे पास थोड़ा अच्छा सा टाइम हो। और मैं लाइनर बहुत ही छोटा लगा रही हूँ, लाइक जस्ट इधर तक ही, कोई विंग नहीं। ऑब्वियसली विंग बनाने जाऊंगी तो हो सकता है ना इतनी जल्दी में मेरा मेकअप बिगड़ जाए, तो मैं विंग कुछ नहीं बना रही हूँ, बस मैंने आईलाइनर इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। और स्टिल आई हैव 2 मिनट्स यार, मैंने बहुत ही जल्दी मेकअप कंप्लीट कर लिया, मेरे पास अभी 2 मिनट और है, तो मतलब मैं तो सिर्फ 8 ही मिनट में रेडी हो गई मुझे ऐसा लग रहा है, लाइक सीरियसली मेकअप सेटिंग स्प्रे। ओके तो मैं विंग अच्छी से बना सकती थी यार, मुझे विंग नहीं इसमें ज़रूरत लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है ये मेकअप बहुत ही क्यूट अच्छा लग रहा है ये मेकअप। सो या एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, सो मैंने तो अपना मेकअप जो है वो कितने मिनट में 8.5 मिनट में ही ख़त्म कर लिया है, तो इसको मैं कर रही हूँ यहाँ पे
स्टॉप. सो यस गाइज, मैंने मेकअप कंप्लीट कर लिया है और मैंने एक्चुअली मेकअप कंप्लीट किया है ओनली इन 8 minutes. तो मैं आगे के हाफ मिनट भी मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं. सो ऑलमोस्ट मैंने 1.5 मिनट जो है अपना बचा लिया एंड मैं सीरियसली गाइज बिलीव नहीं कर पा रही कि इतना जल्दी मैं मेकअप कर सकती हूँ. लाइक सो यस गाइज, यही था मेरा 10 मिनट मेकअप चैलेंज विथ रक्षाबंधन मेकअप. आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा. वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर करें आपने मेरे चैनल को क्या है सब्सक्राइब. इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी झटपट मेकअप करके रक्षाबंधन के दिन जल्दी अपने भाई के पास पहुंच सके और मेकअप करने में ज्यादा लेट ना हो. सो यस गाइस, चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय गाइस.